ये हाइट डियर पार्क के अंदर ये डियर हैं। तो दोस्तों इसके अंदर खरगोश पला करती थी, उनकी याद में अभी भी देख सकते हो यहाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों को लेकर आया हूँ मुरादाबाद के डियर पार्क, जो भाई गूगल पर काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग मिली हुई है इसको और काफ़ी अच्छे सारे फोटोज इसके डले हुए हैं। तो दोस्तों बने रहना है ब्लॉग में, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसकी असलियत, क्योंकि यहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ भाई। इतनी ठंड में मैं आया था, आप देख सकते हो हालत कितनी बुरी है, लेकिन कोई नहीं, अब यहाँ पे आया हूँ तो भाई सभी लोगों को यहाँ की असलियत दिखाऊंगा, जिससे कि वीडियो देखने के बाद यहाँ पे कोई दोबारा ना आए। तो बने रहना है ब्लॉग में लास्ट तक। दोस्तों आप लोग अब मेरे पीछे देख सकते हो भाई, ये डियर पार्क का मेन गेट है, वन विभाग वन चेतना केंद्र रेंज मुरादाबाद। ये मुरादाबाद और रामपुर वाला जो मेन हाईवे है ना, उसी के किनारे पे बसा हुआ है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके अंदर। आप लोग देख सकते हो भाई कितना कूड़ा कचरा वगैरह जो भी है भाई, एकदम से हालत इसकी बुरी हुई पड़ी है। जैसा भी है बहरहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी करंट सिचुएशन, जैसी इस टाइम इसकी हालात है। तो बिना देरी किए हुए लेकर चलता हूँ आप लोगों को आगे। इसी तरह से भाई ब्लॉग में बने रहना है कंटिन्यू। फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा अंदर आ चुका हूँ भाई पार्क के अंदर, आप देख सकते हो पार्क की हालत कितनी बुरी हुई पड़ी है। और ये भाई देखो चारों तरफ झूले वगैरह जो भी चीज़ें होती है पार्क के अंदर वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन भाई इनकी हालत कितनी बुरी है आप लोग देख सकते हो अच्छे से। ये करीब करीब अभी मैंने एक लड़के से बात की है जो बता रहे थे कि भाई ये यहाँ पे 2015 के बाद में बंद कर दिया गया था कुछ कारण से, जो भी कारण होगा उसका मेरे को मालूम नहीं है रीज़न। बहरहाल आप लोग देख सकते हो भाई इसकी हालत इतनी बुरी हुई पड़ी है। अभी मैं थोड़ा और अंदर लेकर जाऊँगा आप लोगों को और भी अच्छे से इसकी हालत दिखाने के लिए। ये इतना बुरा और इतना डेंजर है ना भाई कि यहाँ पे हॉरर मूवी शूट हो सकती है। आप लोग देख सकते हो, थोड़ा अंदर लेकर जाऊँगा ना तो आप लोगों को थोड़ा और अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ये देख लो दोस्तों भाई एकदम से अभी भी अच्छी हालत में बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा पुराना होने की वजह से आप लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, मैं लेकर चलता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए धीरे धीरे। और दोस्तों यहाँ पे ये फव्वारा बना हुआ था जो काफ़ी खूबसूरत अभी भी देखने में लग रहा है, लेकिन इसकी कोई भी भाई देख रेख नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा पुराना होने की वजह से अब ठीक नहीं है। तो मैं लेकर चलता हूँ थोड़ा आगे, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो काफ़ी पुरानी होने की वजह से बेकार हो गई हैं। दोस्तों एक स्विमिंग पूल यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे बना हुआ है। इसके अंदर नाव वगैरह जो भी थी वो चलती थी, लेकिन अब तो इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हैं, लेकिन वो सब ख़राब हो चुकी हैं। और ये यहाँ पर बैठने के लिए भाई जो भी मतलब आते थे यहाँ घूमने के लिए, उनके बैठने के लिए सिटिंग था जो अब ख़राब हो चुका है भाई। हालत इसकी देख सकते हो कितनी ख़राब है। यहाँ पर भाई एक मगरमच्छ और कछुआ पला करता था, उनकी याद में अभी भी देख सकते हो यहाँ पे, ये मतलब एक डमी रखी हुई है। ये यहाँ पे बाढ़ आई थी काफ़ी यहीं के पास में, एक कौन सी नदी है भाई वो 2010 में बाढ़ आई थी, 2010 में ये रामगंगा, रामगंगा जो रामगंगा नदी है उसमें एक बाढ़ आई थी। बाढ़ आने की वजह से ये जो इसके अंदर जो ओरिजिनल मगरमच्छ है 2010 में ओरिजिनल मगरमच्छ और कछुआ वगैरह जो भी था वो सारे का सारा बह गया था। अभी देख सकते हो ये यहाँ पर भाई दोनों उनकी डमी रखी हुई हैं और ये पूरी हालत इसकी एकदम से ख़राब हुई पड़ी है भैया। दोस्तों फाइनली यार यहाँ पे मुझे डियर मिल चुकी हैं, मतलब हिरन यहाँ पे मेरे को मिल चुकी हैं, जिसके ऊपर इस पार्क का नाम पड़ा था डियर पार्क। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई जाल के अंदर ये मौजूद है आज भी। आप लोगों को थोड़ा सा मैं भाई बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा अच्छे से देख पाओगे इन्हें। दोस्तों अब आप लोग अच्छे से देख सकते हो ये भाई डियर पार्क के अंदर ये डियर हैं। और यहाँ पर बारहसिंगा भी रहता भैया, बारहसिंगा वगैरह और भी कई सारे जानवर हैं जो भाई अंदर हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क है और इसके चारों तरफ भाई जाल लगा दिया गया है। आप लोग देख सकते हो भाई अच्छे से ये इसके अंदर हिरन मौजूद हैं अभी भी। और इधर ये वन विभाग ने भाई वन क्षेत्र केंद्र भी बना के रखा है, ये आप चारों तरफ देख सकते हो एकदम से देखने में आज भी खूबसूरत है। लेकिन भाई किसी भी चीज़ की अगर केयर ना करो या फिर उस चीज़ पर बैन लग जाए तो उसका केयर कौन करेगा, तो इसलिए भाई इसकी किसी ने केयर नहीं की है, क्योंकि इस पर बैन लग चुका है किसी कारणवश से, जिससे पूरी तरह से भाई बर्बाद हो चुका है। ये करीब करीब कितने बीघे में बता रहे थे भैया तुम? ये बोल रहे हैं कि पता नहीं है कितनी बड़ा है, क्योंकि ये यहीं के हैं बिल्कुल पास के, इन्होंने ही मेरे को सारी डिटेल इसके बारे में बताई है। तो ये करीब करीब मान के चलो कि 1000 बीघे से ज़्यादा में ही होगा। आप 1000 बीघे से 1000 बीघे से ज़्यादा में ही मान के चलो भाई। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर ये चुग रही हैं घास फूस, जो भी इनको खाना होता है वो यहीं पर खाती हैं। ये देख सकते हो भाई खरगोश पलने के लिए ये जगह थी, लेकिन अब यहाँ पे खरगोश वगैरह कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैंने अच्छे से आप लोगों को ये डियर पार्क दिखा दिया भाई, जो भी इसकी हालत है जैसी भी इसकी हालत है मौजूदा टाइम में, तो आप लोगों ने अच्छे से देख लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज की इस मेरी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है ना यार, आप लोग जब सपोर्ट करोगे तभी तो यार कुछ हो पाएगा। आप लोग बस सपोर्ट बनाए रखो, उसके बाद ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊँगा आप लोगों ने शायद ही ना देखी हों।
क्योंकि भाई ये पार्क तो मैंने भी नहीं देखा था, बस इसके बारे में मैंने गूगल पे देखा था और गूगल ने मेरे को आज बना दिया भाई पागल, क्योंकि गूगल के ऊपर जो इसकी हिस्ट्री या जो भी इसकी डिटेल है वो एकदम से मस्त है। तो मैं सोचा कि बढ़िया जगह होगी, देखते हैं भाई घूम कर। तो यहाँ पे घूमने के लिए तो बढ़िया जगह है, लेकिन भाई यहाँ पे जो पब्लिक वगैरह जो होती है मतलब एकदम से खूबसूरती वो नहीं है, क्योंकि भाई किसी भी चीज़ की जब केयर नहीं की जाएगी तो उसकी रौनक तो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा भी है बहर हाल मैंने आप लोगों को ये दिखा दिया है, तो बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यार आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो बस यार सपोर्ट बना के रखना, तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, लव यू, बाय।